फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूँ खुशी चौधरी और आपकी खुशी के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से, क्योंकि आज दिन में मैं कर नहीं पाई थी। और अभी यहाँ पर चौधरी साहब बना रहे हैं वंदनवार। तो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो हम गणेश जी के स्वागत की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये लेके आए थे आम के पत्ते, तो आप देख सकते हो, ये देखो कितनी मेहनत से पूरे फोकस के साथ काम में लगे हुए हैं ये। और मैं इतनी तैयार से यार कैसे वो रखी हूँ आपको पता है? मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसी दिख रही हूँ। पता नहीं आपको दिखा पाऊंगी कि नहीं सही से। ये देखिए कैसी लग रही हूँ मैं, पूरी तो दिख ही नहीं रही मैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, कुछ ऐसी सी दिख रही हूँ मैं, पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ मैं आपको, पूरी पूरी मैं आ भी नहीं पा रही हूँ इसमें। इतने मोटे हो गए क्या? हाँ, मोटी नहीं हुई हूँ मैं, मतलब मोटी हुई हूँ बट इतनी ज्यादा भी नहीं हुई हूँ। तो अभी मैं ये साड़ी वाड़ी पहन के जाऊंगी किचन के अंदर। किचन में मैं बनाने वाली हूँ, मेरी सौभाग्य की रसोई का जो चैनल मैंने अभी नया क्रिएट किया है ना, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा, मेरा ऐसे मन हुआ कि मैं मतलब ऐसे ही है ना वीडियो, मतलब कुछ भी पहन के ऐसे ही बना लेती हूँ नॉर्मली। तो आज थोड़ा सा मन हुआ कि थोड़ी सी तैयार श्यार होकर वीडियो बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पर पहनी है साड़ी, तो रिदम पूरा दिखाएगी। रिदम आ चुकी है रूम में से बाहर। तो ये देखिए कैसी दिख रही हूँ मैं, नहीं दिख रही हूँ सही से दिख रही हूँ है ना? तो अच्छी लग रही होंगी साड़ी में, मैं अच्छी दिखती हूँ। तो चलिए अभी पहले मैं पी लेती हूँ चाय, क्योंकि चाय के बिना तो गुजारा नहीं है मेरा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चाय, और चाय के बाद में अपनी शुरू कर मेरे दूसरे चैनल की वीडियो। तो आज मैं बहुत ही मतलब अच्छे से यू, मतलब मेरे को ऐसे है ना मन हुआ कि इस टाइप का कुछ मतलब मोदक बनाने चाहिए कुछ अलग से स्टाइल में। तो मैं बड़ी उत्साहित हूँ वो वाले मोदक की रेसिपी आप सबको दिखाने के लिए। तो मैं बनाऊंगी और वो डालूंगी मैं वो मेरे नए वाले चैनल पर। तो उसका लिंक मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाके और देख लेना। और वो वाला चैनल भी मेरा प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मेरे को बारी बारी में बताना ना पड़े कि मैं उसमें डालूंगी। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑटोमेटिक अगर आप वो बेल आइकन वगैरह दबा के रखोगे। तो चलिए फिर चाय पीते हैं पहले तो, और उसके बाद में काम शुरू करते हैं। यहाँ पर लगा रहे हैं वंदनवार, जो अपनी पुरानी लगी हुई है उसको उतारेंगे पहले। अच्छा, तो क्या रखा हुआ? मस्त वाली चल रही है, वो गेट का साइज है ना, हाँ उसके हिसाब से। अच्छा, तो बार गेट पे लग चुकी है वंदनवार। तो आपको मैं एक स्टाइलिश वंदनवार बना के दिखाता हूँ। अच्छा, स्टाइलिश कैसी होती है? मस्त डिजाइन बनता है, देखो। उसके लिए करना कुछ नहीं, पहले पत्ते को ऐसे काटना है। अच्छा, ठीक है, इधर से काटा अब हम ऐसे एक डिजाइन बनाएंगे, ऐसे और ऐसे, ये फूल सा बन गया ना। अरे अब ये जो पत्ती नीचे गई हुई है ना, इसको हम थोड़ा सा तिरछा से काटेंगे और यहाँ पर इसके करेंगे छेदी लाल। अच्छा, इस छेदी लाल में इसको इसके अंदर डालेंगे, सही पीछे से पीछे ऐसे कर देंगे। ओके, तो अब ये सेल्फ लॉक लग गया। अब ये इस टाइप के बनेंगे खूब सारे, तो नौ वाली बना देंगे। तो इस प्रकार ऐसे बांध देंगे तो बड़ी सुंदर डिजाइन बनेगा। वेरी गुड, ये तो सुंदर डिजाइनर हो जाएगी फिर। कितने सुंदर है ना उनके पत्ते। तो ये इतना मस्त काम कर रहा हूँ ना, चाय तो बनती है। हाँ, तो चाय तो बन ही रही है। चाय 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 के बिना तो काम बिल्कुल चलेगा ही नहीं, ना मेरा चलता ना आपका चलता।
तो चाय तो यहाँ पे मैंने बनने के लिए रखी हुई है, बस कम करके चली गई थी मैं। कड़क कड़क चाय आ गई। नौ पत्तों की हो गई, ठीक है, टेस्टी, मस्त और हेल्दी चाय। हेल्दी कैसे? तुलसी अदरक है। अदरक के बिना तो चाय, मतलब मेरे को चाय नहीं लगती। अदरक वाली चाय होती है ना, तभी मजे आते हैं। गर्मी में भी है, पर गर्मी में अदरक होती बहुत कॉस्टली है। थोड़ी सी तो चाय पीते हैं अपने, बहुत ज्यादा तो चाय नहीं पीते। आज आपको पता है मैं क्या बनाने वाली हूँ? तो अपने बताई दिया था जब आप लोग बारे मैंने सुन लिया था। अच्छा। कि एक बंधन बार बनेगी गणेश चतुर्थी के लिए और साथ में बनेंगे नहीं मोदक। आपने ऐसे तो सुन लिया मोदक बनेंगे, पर किस स्टाइल में मोदक बनेंगे वो पता है? मोदक सूजी के ही कह रहे हैं, सूजी के बनाएंगे। मैं ना आज बहुत ही अलग स्टाइल में बनाने वाली हूँ, मतलब आपको ऐसे देखते ही मुंह पानी टपकेगा आपके। गणेश जी सुन रहे होंगे तो खुश हो जाएंगे कि नए मोदक कौन से ला रही है, देखते। यही बैठे गणेश जी। और ये मेरा लंबोदर ये बैठा है इधर। मैंने साड़ी वाड़ी तो पहन ली, बट मैंने चूड़ियाँ तो चेंज ही नहीं की। चूड़ी तो मैं वही पहन के बैठी हुई हूँ, चूड़ी चेंज करनी चाहिए थी। सावन में पहनी थी ग्रीन चूड़ियाँ, मैं अभी तक चलाए जा रही हूँ उनको। डिजाइन मस्त है। हाँ भाई मस्त है, कब से दिखाने लगे थे। अच्छा आपकी वो साड़ी की तारीफ नहीं की है? हाँ साड़ी मस्त है। मैंने साड़ी की बात ही नहीं की है, इसका मतलब आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। हाँ तो आप पत्तों की तारीफ सुन नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब साड़ी की तारीफ करवा रहे होंगे। नहीं तो, मैं कुछ और चीज बोल रही थी, आपने नहीं सुनी। मतलब सुनी चूड़ियों का कि चूड़ियाँ नहीं पहनी। गाइस इन्होंने ना पिछले ब्लॉग में मुझे बड़ा ही धोखा दिया था, मुझे मतलब वो है ना धोखा अभी तक याद है। गिफ्ट वाला मतलब आप ऐसा कैसे कर सकते हो। और उसके बाद में मैंने आपसे कहा कि नेक्स्ट डे मेरे को है ना आप गिफ्ट ला के दोगे, वो भी नहीं ला के दिया आपने अभी तक। तो कोई गिफ्ट का ओकेजन आएगा तभी तो ला के देंगे। तो फिर आपने कहा क्यों की गिफ्ट है ये आपके लिए? गिफ्ट का गिफ्ट ही था। नहीं गिफ्ट नहीं था, जो चीज आपको अच्छी लगे वो गिफ्ट है। अब ये सब चीजें आप गिफ्ट देना बंद करो ना प्लीज। हाँ ये आपके हो गए बहुत, मेरे गिफ्ट की बातें चल रही है तो आप पीछे पत्ते दिखाए जा रहे हो, ये गलत बात है। गिफ्ट आपको लाके देंगे बर्थडे पे। नहीं बर्थडे तो बहुत दूर बढ़ा दी। एनिवर्सरी पे ला देंगे। एनिवर्सरी तो उससे भी दूर है, बर्थडे पे इतने गिफ्ट देगी वो। अच्छा सुनो सुनो, मंथली माने ना तो पूरे साल के गिफ्ट हो गए है ना। वो पुराने हो चुके हैं, मुझे नए चाहिए। आप लोग कमेंट में बताना देखो कितने गिफ्ट दिए थे, तो सारे साल भर से ज्यादा की गिफ्ट है। नहीं मुझे और चाहिए। और मैं अभी एक ना इसका फूल बना के और वो पेश करता हूँ। मैं नहीं ला के दूंगी आपको और कुछ भी सामान, ये फूल बैठ जाते हैं। अब फिर मेरे को ऐसे चक्कर पे चक्कर ये लेके आना, अब धागा ला के देना, अब स्टेपलर लाना, अब सीजर लाना। हेलो ये लग रहा है ना फ्लावर सा, तो ये फ्लावर मैं मैडम को देने वाला हूँ एज ए गिफ्ट। ये लो गिफ्ट आ गया, सुंदर सा फ्लावर। ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा, गिफ्ट चाहिए मुझे। अब आपने या तो कहना नहीं था, अब आपने ऐसे वो कह दिया तो फिर वो होने लग गए ना कि चाहिए चाहिए गिफ्ट तो चाहिए। चलो ठीक है ड्यू ड्यू तो है ना सालों साल चलता रहता है, कहेंगे कि ड्यू है। अच्छा अच्छा आपके बर्थडे पर मेरे बर्थडे पर आपको गिफ्ट देगा, देखना देखना मेरे बर्थडे पर मेरे को गिफ्ट मिलना चाहिए। सुंदर लग रहा है।
महाराष्ट्रियन महाराष्ट्रियन साड़ी है, महाराष्ट्रियन ये महाराष्ट्रियन साड़ी तो नहीं है, साड़ी तो ला दो महाराष्ट्रियन गिफ्ट हो जाएगा मेरा अब बाल काट दो कि क्या ये क्या बनाया है बटरफ्लाई डक ऐसा कोई गिफ्ट देता है क्या अजीबोगरीब तो आज पहली बार साड़ी पहन के किचन में घुसे हुए हाँ। कैसा लग रहा है मतलब इतना ज्यादा कुछ फील नहीं हो रहा क्योंकि साड़ी काफी हल्की फुल्की है, पता ही नहीं चल रहा। बहुत जैसे भारी भरकम साड़ी होती है ना तो उसमें तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो ये सिंपल सी साड़ी है, प्लेन सी, तो इतना पता नहीं चल रहा। और वो देखो साथ में ना वो भी आ रही है, नई वो लगाई है ना वंदनवार, वंदनवार की डिजाइनर सुंदर लग रही है ना। तो ये की रेडी है ना, अच्छे से तैयारी हो चुकी है मोदक बनाने की, अब प्रोसेसिंग शुरू करते हैं आगे का, ठीक है। तो सारी तैयारियां, ये सब चीजें बनाने में ना जो इसकी तैयारी करनी होती है ना वो बड़ी मुश्किल होती है, पर सारा टाइम तो उसी में ही चला जाता है तैयारी करने में, बनाने में तो मतलब कम टाइम लगता है और इसकी तैयारियां करने में ज्यादा टाइम लगता है। बड़ी मस्त खुशबू आ रही है, क्या डाल रहे हो? ये देखो फ्लेवर के लिए ना मैं जायफल डाल रही हूँ। गाँव में पता है पहले छोटे बच्चों को जब ठंड लग जाती थी ना तो इसको जायफल का गुटिया देते थे मेरे को भी याद है, मेरे को याद है घिसके इसको खिलाते थे ना, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ या शहद मिलाते हैं मीठा करने के लिए, फिर हल्का सा गुनगुना सा उसको करके और रात को बच्चों को पिला के सुला देते हैं। तो एक तो उससे थोड़ा सा ऐसे मतलब नशा सा हो जाता है बच्चों को, रात भर नींद नहीं, मतलब परेशान नहीं करते माओ को, और इससे नींद भी अच्छी आती है और जो सर्दी जुकाम बुखार थोड़ा बहुत होता है ना तो वो ठीक होता है। और अगर खाने में ये डाले कुछ मीठा कुछ अगर आप बना रहे हो ना तो उसमें भी फ्लेवर के लिए ये बड़ा ही अच्छा लगता है, इसका जो टेस्ट होता है ना वो। गाइस ये देखिए गणपति जी को लेके आ रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डम 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 डम। तो गणेश चतुर्थी परसों है, पर ये देखो अभी लेके आते हैं ना घर पे तब भी ढोल नगाड़ों से लेके आते हैं, फिर 19 तारीख को विशेष पूजन अर्चन होगा। अरे वाह, है ना, वो सब लेके आए हैं अपने सोसाइटी में, पता नहीं अपने पर्सनल घर पे लेके आए होंगे, पर ये सोसाइटी के ही लोग है शायद, इतने सारे एक साथ है तो घर पे पर्सनल भी लेके आए तो दोस्तों को साथ लेके जाएंगे ना। चेहरा देख लो कैसे खिल रहा है ऐसा बाकी का काम आप कर रहे हो क्या? कर लो मेरे को आता नहीं बिना संचय के मोदक बनाओगे क्या? अब क्या बना रहे हो मोदक बनने के बाद? डिनर की तैयारियां चल रही है। अच्छा, तो मैंने सोचा कि ये जो तेल बच गया था ना तो इस तेल का यूज कर लिया जाए, बाद में मैं इसका यूज नहीं करूंगी। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए पूड़ी नहीं खाई तो आज मैंने पालक पनीर बनाया है, तो पालक पनीर के साथ में पूड़ियाँ बना देती हूँ। तो शानदार पार्टी होने वाली है तो यहाँ पर मैंने बना दी है पूड़ी, और पूड़ी का आटा भी मैंने ना स्पेशल गूंथा है। अच्छा, क्या डाला है इसमें? मेरे को है ना मैंने दाल बनाई थी तो दाल थोड़ी वो है ना बच गई थी, तो फिर मैंने वो आटे में गूंथ लिया दाल को, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मतलब ऐसी चटपटी सी पूड़ी, तो मजे आ जाएंगे रिदम को ठीक है। मैं तो पूरी डाइटिंग करने का सोच रही थी कल से डाइटिंग मम्मी भी नहीं करती है, कल से कर लेना। आज तो मस्त पनीर की सब्जी है और पूरियां है, कल से डाइटिंग से ठीक है। आप कब से करोगे? मैं तो नहीं करती। चलो जिसको भी करनी है वो परसों से करेंगे हमारे घर में ये देखो क्या मस्त पूरी खिली है, फिर मैंने कॉल नहीं लिया। तो फ्रेंड्स मैंने बना लिए मोदक और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं, और दोनों पापा बेटियों को दोनों को पसंद आ गए हैं, और गणपति जी को भोग भी लग चुका है ये देखिए, और काफ़ी अच्छा लगा और बनाते हुए भी मज़े आए।
और आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा है, और पूरा अगर ये मेरा मोदक की रेसिपी देखनी है तो मैं लिंक डाल दूंगी मेरे नए चैनल का, तो आप उसके ऊपर जाके देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपकी खुशी को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबाना। और मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू।